अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये टिंग 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 वाला बेल बटन आता है ना, इसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिथिश फैशन। आज है थर्सडे, तो थर्सडे मैं इवनिंग स्टाइल व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मुंबई पे अभी बोल सकते हैं आफ्टरनून नहीं है, अभी इस टाइम पे दोपहर ही होता है। अभी बज रहे 4:30 ऑलमोस्ट बज चुका है, और आज मैं बहुत खुश हूँ। इसका रीज़न भी है क्योंकि आज मेरी एक ओल्ड फ्रेंड से, स्कूल फ्रेंड से मैं आज बात किया। मेरी व्लॉग के थ्रू उसने मुझे कमेंट्स किया था, उसके साथ मेरी शायद 4-5 साल मेरा कनेक्शन एकदम टूट गया था। मतलब होता है ना, मेरा मोबाइल पे उसका नंबर भी चला गया था और उसके पास भी मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, तो और फेसबुक में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था पता नहीं। इस हिसाब से उसके साथ मेरा कनेक्शन 4-5 साल के बाद हो रहा है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। होता है ना, एक ओल्ड फ्रेंड से मिलके कैसा लगता है, आप सब भी बताना तो कैसा लगता है। तो स्कूल फ्रेंड्स थी तो इसलिए अच्छा लग रहा है, उसका नंबर मिला तो बात किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक हैप्पी फीलिंग होता है ना, वो मुझे लग रहा है। और थैंक यू पोम्पा, तुमसे बात करके, उसका नाम है पोम्पा, बात करके बहुत खुशी हुई इतने साल बाद बात करके। और उसका बेटी भी है छोटी सी, स्वीटी के एज की, वो भी देखती है। और मुझे सबसे ज़्यादा आज खुशी हुई, आज नहीं काफ़ी दिन से ये खुशियाँ होती है, छोटे बच्चे मेरी ब्लॉग देखते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कि मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, छोटे बच्चों के साथ खेलना या उनके साथ जैसा होता है ना छेड़छाड़ करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसमें होती है। मेरी फ्रेंड्स जो है वो तो मुझे पसंद करते हैं, मुझे पता ही है, लेकिन आज उसने भी बताया मेरी बेटी भी तेरा ब्लॉग देखती है, तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता भी है क्योंकि काफ़ी सारे आप में से फ्रेंड्स से ही मुझे पता चलता है मेरा बेटा देखता है आपका ब्लॉग, मेरी बेटी देखती है आपके ब्लॉग, वो भी छोटे बच्चे भी देखते हैं, बहुत छोटे बच्चे जिनको उतना शायद ये ब्लॉग ये सब के बारे में उतना पता नहीं है, हाँ मुझे देख के खुश हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे हैं तो आप में से ही फ्रेंड्स का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, काफ़ी सारे नाम मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो बोलते हैं आपका कॉपी करते हैं। मुझे वो सुन के इतनी खुशी होती है ना, क्या बताऊँ। किसी ने फॉलो किया था मेरी बेटी कॉपी करते बोलते हैं, खाने के बाद शायद बोलती हूँ बहुत अच्छा हुआ, ज़रूर ट्राई करना। और एक फ्रेंड बोलती है, उसका बेटा शायद छोटा है, वो बोलते हैं वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये सारे सुन के इतना खुशी होती है ना, मैं आपको बयान नहीं कर पाती। तो और भी जो जो फ्रेंड्स का बच्चे मेरी कॉपी करते या मुझे देखते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, ताकि मुझे पता चले सारे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, छोटा बच्चे दिल के बहुत सच्चे होते हैं, ये मैं मानती हूँ। बोलते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, ऐसा ही होते हैं बच्चे कभी भी, मतलब होता है ना ये आर्टिफिशियल लाइफ, हमारे जो अभी का जो लाइफ है हेक्टिक लाइफ, ये सब उनके दिमाग में उतना आता नहीं है। छोटे से लेके बड़े बच्चे तक मेरी ब्लॉग देखते हैं, बोलते हैं आंटी आपको मुझे बहुत पसंद है, वो उस टाइम पे मुझे इतनी खुशी होती है, क्या बताओ। अभी बारिश भी शुरू हो गया, झरझर झरझर के बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, तो अभी शांतनु तो आया नहीं, मैंने सुबह से कोई डस्टिंग नहीं किया। अब होता है सुबह में आज बहुत काम था, एक वीडियो पोस्ट किया उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा, तो वो क्यों हो रहा है मैं देख रही थी, वही क्यों कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है या यूट्यूब से प्रॉब्लम है, तो अभी देखती हूँ मैं, वही दोपहर में कर रही थी, इसलिए दोपहर में तो मुझे टाइम नहीं मिला। आज तो सबसे यम्मी वाला खाना बनेगा, मैंने बोला था कौन सा यम्मी वाला खाना, मैंने बोला था पिछले हफ्ते या लास्ट वीक शायद, एक यम्मी वाला कुछ बनाऊँगी गोल गोल जैसा, पेपर में देख के बोला था। अभी सोचो सोचो, स्किप करके मत देख लेना, हाँ क्या है रेसिपी, नहीं सस्पेंस तो रहना चाहिए ना, धीरे धीरे बढ़ोगे तभी मज़ा आता है ना। खूब शांतनु का कुछ सामान बोला तो है लाने के लिए, हमें लाएगा उसके बाद ही बना पाऊँगी। नहीं, भेज वाला एक बहुत ही अम्मी रेसिपी है, तो बच्चे से लेके बड़े तक जो बहुत पसंद आए, स्वीटी का एज का जो बच्चे हैं या उससे भी छोटे जो बच्चे हैं उनको बहुत पसंद है, ये मुझे पता है, मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि उसके जो जो फ्रेंड्स हैं ना मेरी वो रेसिपी बहुत तारीफ होता है। छोटे बच्चे जब बोलते हैं ना यम्मी है आंटी, तब वो खुशियाँ सबसे बड़े होते हैं, कितना भी मतलब मैं खाना बनाऊँ या खा लूँ।
बंगाली एक कार्टून है नाठ बोल टू बोल के, जो बंगाली है उनको पता रहेगा, बहुत मजा आता है। ये शाम के टाइम पे देते हैं, दो बच्चे का, एक का नाम है नाट, एक का नाम है बोल्टू। बहुत जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, उसको देख के मुझे बहुत हंसी आती है। मुझे डोरेमोन बहुत पसंद है, साथ रहो कि कभी कभी देख लेते हैं, तो उतना पसंद नहीं करते। हाँ, उसका सौंदा सिर्फ पसंद है, सौंदा सिर्फ, और वो ऑगी एंड द कॉकरोच जैसे मुझे एकदम भी पसंद नहीं। ऑगी मोटू पतलो, मोटू पतलो उसको मुझे एकदम भी पसंद नहीं। मुझे सौंदा सिर्फ अच्छा, सौंदा सिर्फ सबसे अच्छा, मुझे डोरेमोन सबसे ज्यादा अच्छा लगता। जी आना भी चिल्ला रहा था, मुझे कुछ अजीब लगता है। और मैंने आज शाम का क्या बनाई, किसी और दिन शेयर करूंगी ये रेसिपी। ये बेसन का छीले, मतलब बेसन का ऑमलेट बोल सकते, वेज ऑमलेट, वेज ऑमलेट। हाँ, क्या कर रही हूँ पता है, मेरा एडिटिंग करते करते मैं नेल पॉलिश भी लगा रही हूँ। हाँ, तो दो दो काम एक साथ होना चाहिए ना, तभी तो टाइम बचेगा। तो अभी यही काम कर सूटेबल है। आप क्या हो, इधर भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हो। हाँ, तो ये सूख जाएगा तब तो, नहीं तो कैसा होता है, कुछ भी काम करते हुए अगर नेल पॉलिश लगा दिया। कल हुआ था ना मेरा, लगाया मेरा चश्मा ठीक है, साफ करने गई, बस एकदम खराब हो गया, बिगड़ गया। तो वही होता है, इसीलिए इस टाइम पे काम करना चाहिए, ये बेचारा सूख जाएगा आस्ते आस्ते, आस्ते आस्ते नहीं, धीरे धीरे, दो चार बंगाली आ जाते, क्या कह रहे। उसके बाद खाना भी बनाना है। आज तो स्वीटी कब से वेट कर, और देखो ये फूल बेचारा खुश हो गया। इसीलिए ना मुझे गुलाब एकदम भी पसंद है, पता नहीं क्यों, गुलाब में ना ये कुछ एक दो दिन में ही ना खुश हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। दो तीन तो मेरा खराब हो गया, मैंने फेंक दिया। लिविंग रूम का वो जो ऑर्किड लाया था वो कितने दिन का था, तो अभी ठीक था, इसीलिए शांतनु को बोला ऑर्किड लाना, इससे ज्यादा ये तो रहता नहीं है ठीक, क्या करे। कभी कभार अच्छा भी लगता है ना गुलाब। तो कर लू ये वाला, उसके बाद खाना भी बनाना है। मेरा पूजा हो गया, क्योंकि आज थर्सडे है ना, तो पूजा करते हैं, तो पूजा तो हो गया, अभी खाना बनाने आया है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा मैंने बना लिया, राइस बनाना था, इटालियन हर्ब राइस, वो मैंने शायद ऑलरेडी शेयर किया, अगर मैंने शेयर किया तो उसका लिंक दे दूंगी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता मैंने कौन सा शेयर किया। वो राइस मैंने ऑलरेडी बना लिया, यहाँ पे तेल भी लग गया तो वो उसको इग्नोर करो। तो और आज जो बनाऊंगी, आज बनाऊंगी कॉर्न चीज बॉल, ये सबसे फेवरेट है स्वीटी का, हमारे सबका ही, स्वीटी का हर बर्थडे पे ये तो होता ही है, उसका रेसिपी शेयर करेंगे। और ये जो बॉल है ये आप डीप फ्रीज में काफी दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, मैं काफी दिन तक रख देती हूँ, जैसा फ्रोजन फूड होता है उस हिसाब से। तो घर पे बनाया हुआ फूड तो एटलीस्ट प्रिजर्वेटिव तो नहीं रहता ना, बाहर का फ्रोजन फूड में प्रिजर्वेटिव रहता है, और ये बहुत यम्मी रहता है। जो हेल्थ कॉन्शियस है उनको बता दूं, ये डीप फ्राई होगा, इसका ओवन मोड में भी मैंने बना के देखा था, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता, क्योंकि ये एक इटालियन रेसिपी है। अगर आपको ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो आप ऑलिव ऑयल से भी सैलो फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
क्योंकि नॉर्मली ये ऑलिव ऑयल पे ही डीप फ्राई होता है। और अभी सारे इंग्रेडिएंट्स मैं मिक्स करूंगी, ऑलरेडी मैंने सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया। अभी मैं पहले स्टफिंग बनाऊंगी। स्टफिंग के लिए मैं ये अमूल पिज्जा चीज होता है, मोज़रेला चीज, ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, फ्रोजन रहता है एकदम हार्ड जैसा। तो इसको बनाने से पहले एक डेढ़ घंटा पहले इसको डीप फ्रिज से निकाल के रखिएगा, तभी ग्रेट करना में आसानी होती है। और इसके लिए मैंने मोज़रेला चीज को ग्रेट कर लिया, एक पूरी मोज़रेला चीज मैंने दिया जो अमूल का। और इसमें डालूंगी व्हाइट पेपर पाउडर, मतलब सफेद मिर्च पाउडर एक चम्मच, ये इंस्टेंट गार्लिक होता है, गार्लिक पाउडर रहता है, पाउडर फॉर्म नहीं, थोड़ा सा चंक चंक टाइप का रहता है, इस टाइप का होता है, ये आपको आसानी से मिल जाता है, इंस्टेंट गार्लिक बोलेंगे तो वो दुकान पे मिल जाता है। तो ये मैं दो चम्मच दूंगी। ये भी इटालियन मिक्स हर्ब्स, ये भी आसानी से दुकान पे मिल जाते हैं, कोई भी कंपनी का मिक्स हर्ब्स इटालियन ले सकते हो, लेकिन हाथ से थोड़ा क्रश कीजिएगा तभी उसका अच्छा खुशबू आता है। ये दो चम्मच लगभग, और ये सारे अभी मिक्स करूंगी। ये होगा उसका चीज बॉल का स्टफिंग। और अभी मैं जो बाहर का कोटिंग होता है वो बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने पोटैटो लिया, बॉयल करके उसको स्मैश कर लिया, और जो स्वीट कॉर्न होता है उसको भी मैंने बॉयल करके ग्राइंडर में जस्ट क्रश कर लिया, एकदम प्यूरी नहीं, जस्ट हल्का सा क्रश करना है। तो ये दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। और इसमें डालूंगी चॉप्ड गार्लिक, और डालूंगी नॉर्मल जो व्हाइट ब्रेड होता है, नॉर्मल जो ब्रेड होता है उसको मैंने मिक्सी में हल्का सा क्रश कर लिया था, ये डाल दूंगी क्योंकि वो बाइंडिंग में अच्छा होता है। और इसमें मैं अभी सॉल्ट डालूंगी, सॉल्ट अपने अंदाजा से, क्योंकि चीज में भी सॉल्ट रहता है। और जो इंस्टेंट गार्लिक है वो भी डाल दूंगी, लेकिन ये गार्लिक पाउडर नहीं है, ये इंस्टेंट गार्लिक हिसाब से थोड़ा चंक चंक टाइप का रहता है। ये गार्लिक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। और ये सारे अभी मिक्स करूंगी, जस्ट जैसा डो बनाते हैं अच्छी तरह से। अभी इसको बॉल के जैसा बनाऊंगी, तो उसके लिए छोटा छोटा पेड़े जैसा बनाऊंगी पहले, तो कितना बड़ा बनाना है वो आपके ऊपर है। और जैसा स्टफिंग बनाते हैं, और इसके अंदर जो चीज मैंने मिक्स करके रखा था हर्ब्स के साथ वो भी डाल दूंगी। और इसमें ध्यान दीजिए, इसको बंद कीजिएगा, अंदर में कोई भी होलो जैसा या एयर बबल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फट जाएगा, और अगर फट गया तो ये चीज बहुत मेल्ट होके निकल जाता है, इसलिए बंद करने के टाइम ध्यान से। और इस टाइप का गोल गोल, नहीं तो लंबा लंबा कुछ भी बना सकते हो। आप थोड़ा लंबा इस टाइप का शेप में भी बना सकते हो। और अभी मैं इसको कोटिंग करूंगी, तो उसके लिए मैंने कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल लिया, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर को मैंने पानी में घोला, और ये है ब्रेड क्रम्स, तो मैंने पहले कॉर्नफ्लावर में डालूंगी। और ये कोटिंग भी बहुत अच्छी तरह से कोट होता है, तो इसको मैं डबल कोट करूंगी, और एक बार फिर से डालूंगी, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। टोस्ट बिस्किट होता है, उससे मिक्सी में पाउडर करके बना सकते हो ब्रेड क्रम्स। और मेरा ये जो चीज बॉल है, ये मैंने 10 मिनट के लिए डीप फ्रिज में रख दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो हाफ एन आवर तक, अगर नॉर्मल फ्रिज में हाफ एन आवर टू 1 घंटा रखेंगे तो बहुत ही अच्छा ये कोटिंग जो होता है ना सेट हो जाता है, तो तेल में डालने से वो जो कोटिंग है ना बाहर का निकल नहीं जाता है। और इसको मैं अभी डीप फ्राई करूंगी, तो अगर ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो इसको फ्लैट बना के की जैसा बना के आप सैलो फ्राई कर सकते हो, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता क्योंकि इसका ऑथेंटिक ऐसा ही बनता है। हाँ, किसी फ्रेंड ने बोला तेरा ये जो चम्मच है ना पूरी सकती हूँ, ये बहुत पुराना है। हाँ, ये बहुत पुराना है, मेरे शादी के टाइम का ही है, तो ये जितना कम्फर्टेबल होता है, मेरे पास ये वाला भी है, नया वाला भी है, लेकिन मैं ये सिर्फ स्ट्रेनर के हिसाब से यूज करती हूँ, लेकिन इसमें जितना कम्फर्टेबल होता है टेढ़ा है यहाँ से वो नहीं होता, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होता है जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल होता है ना वही यूज करती हूँ। और इसको मैं अभी फ्राई करूंगी,
और ये चीज़ बॉल को धीरे धीरे स्लो फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में कीजिएगा, तभी अंदर का चीज़ जब मेल्ट होगा ना तभी यम भी लगता है, एकदम बर्स्ट होना चाहिए। इसका तो गारंटी मैं दे ही सकती हूँ 100%, बहुत यम्मी बनता है, बहुत यम्मी। स्वीटी तो कब से वेट करी, बना बना बहुत जल्दी जल्दी, मतलब इसीलिए मैंने फ्रिज में नहीं रख पाई ज़्यादा देर तक। और ये राइस सिंपल सा वेजिटेबल्स डाल के इटालियन स्टाइल में है, तो वो किसी और दिन शेयर करूँगी, अगर मैंने शेयर किया तो उसका लिंक दे दूँगी, शायद मुझे याद नहीं है। और काफ़ी जो कीड़े वकोड़े हैं ना उसका आवाज़ आएगा आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक। आपको अगर मोसरेला चीज़ ना मिले तो जो अमूल का प्रोसेस चीज़ आता है ना क्यूब वाले या बड़ा क्यूब वाले, वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है, उसमें उतना टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर कहीं किसी जगह पे नहीं मिलता है तो वो आप ऑप्शनल हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ये ना आप स्नैक्स के लिए बना सकते हो, लेकिन हम लोग स्नैक्स के लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि स्वीटी बोलते हैं नहीं नहीं स्नैक्स के लिए नहीं, रात को ही खाएंगे बहुत ज़्यादा करके। बच्चों के टिफिन के लिए आप फ्रिज में डीप फ्रिज में रख दो, सुबह में फ्राई करके दे दो, बहुत ही यम्मी होते हैं। और साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो, तो मैंने तो बड़ा बड़ा कर दिया, उतना ज़्यादा छोटा छोटा कौन करेगा, स्वीटी का बर्थडे पे इससे छोटा होता है, बहुत यम्मी होता है। हमारा सब काम तो हो गया, अभी स्वीटी सोने वाली है तो मैं उसके साथ थोड़ा सा बैठ जाऊंगी। और अभी जो काम था, हाँ मैंने वो जो क्या बोलते हैं उसको, रवा को मैंने आज रोस्ट किया था लगाने के बाद, क्योंकि वो रवा ज़्यादा देर तक बाहर रखो ना सम्भले ना तो वो कीड़ा लग जाता है, और अभी बारिश का वेदर है इसलिए पूरी पैकेट में रोस्ट करके हल्का सा वो रख लेती हूँ, तो अच्छी तरह से रह जाता है। अभी गुड नाइट करने वाले हैं ना हम सब, गुड नाइट करेंगे ना स्वीटी। स्वीटी तो अपने सारे सामान यहाँ पर नीचे रख दिया, उसके ऊपर ही मैं बैठी हूँ, जो बड़ा वाला पिलो है ना ये देखो, इसके ऊपर ही मैं बैठी, मज़ा आ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये फ्लोर कुशन हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैंने इसी तरह से आप सबके साथ शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना है, ज़रूरी है वो, क्योंकि अगर अच्छा लगा, और मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, तभी ये हमारा जो छोटा सा एक यूट्यूब फैमिली है अभी बहुत छोटा है, इसको बहुत बड़ा बनाना है, तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है ना, आपकी भी जिम्मेदारी है मेरी भी जिम्मेदारी है। तो ये अपनी फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स शेयर करते हैं मुझे पता है,
काफी मैसेज आते हैं। किसी फ्रेंड ने बोला था मैंने शादी में गया था सबको सब्सक्राइब करवाया, कोई बहुत अच्छा लगा। तो सुन के बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि ये मेरी सिर्फ यूट्यूब फैमिली नहीं है ना, आप सबके साथ मेरी एक बड़ा सा फैमिली है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और किसी फ्रेंड ने बोला था मेरी पूरी फैमिली आपका ब्लॉग देखती है, तो सुनकर अच्छा लगता है। तो इसीलिए जरूर शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। रुक जा, इसको उसका भोंदू देना है। इसका भोंदू रह गया, ये भी तो सोएगा, ये तो यहाँ पे सोता है, ये देखो बाय।